नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का एक इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। आपको बैंकिंग सिस्टम के एक ऐसे कोड के बारे में बताते हैं जिसकी जानकारी ज़्यादातर किसी को नहीं होती है, और इसका नाम जो है दोस्तों, हम कहते हैं इसको शिफ्ट कोड। और ये जो है बैंक्स के माध्यम में यूज़ होता है जब भी हमें पैसों का लेन देन करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये शिफ्ट और BIC कोड जो होता है, 8 से 11 डिजिट का ये कोड होता है। ये 8 से 11 डिजिट जो बनते हैं दोस्तों, उसमें आइडेंटिफाई की जाती है आपकी कंट्री, आपके बैंक का नाम, आपकी ब्रांच और आपकी लोकेशन, और इससे आप पता कर सकते हैं शिफ्ट कोड। ज़्यादातर दोस्तों ये इस्तेमाल होता है जब हमें इंटरनेशनल पेमेंट्स को रिसीव करना हो, स्पेशली जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स होते हैं गूगल एडसेंस से जो पैसा ले रहे हैं, पैसा कमाते हैं, उन्हें शिफ्ट कोड मैंडेटरी होता है। शिफ्ट कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दोस्तों दिक्कत आती है इसको फाइंड करने में। इवन जब मैं खुद अपने बैंक की ब्रांच में गया था, अपने लोकेशन पर, मैंने वहाँ पर जब SBI के भी लोगों से पूछा कि आपके बैंक का शिफ्ट कोड क्या है, इवन वो तक नहीं जानते थे इस बारे में कि शिफ्ट कोड क्या होता है, और वो एक दूसरे से पूछने लगे, और उन्होंने एकदम से ये बोल दिया कि ये हमारे हेडक्वार्टर पर हेड ब्रांच में होता है। और इस तरीके से दोस्तों ये बात घुमा दी जाती है। मान लीजिए आप किसी छोटे कस्बे में हैं, तो आपको हेडक्वार्टर के लिए बड़े शहर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको जो वेबसाइट बता रहा हूँ, वहाँ पर भी आप पता कर सकते हैं, और एक आसान तरीका है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शिफ्ट कोड। इस तरीके से दोस्तों जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये देखिए, ये आपको शिफ्ट कोड दिख रहा है। इस शिफ्ट कोड का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। ये ग्लोबली SBI का जो है शिफ्ट कोड है, और ये सभी जगह इस्तेमाल होता है दोस्तों। और इसी तरीके से आपको सिर्फ बैंक बदलना है, आप बैंक बदलते जाइए, आपको शिफ्ट कोड जो है पता चलता जाएगा। देखिए ये HDFC का शिफ्ट कोड है, इसी तरीके से आप ICICI का भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये ICICI का शिफ्ट कोड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों इसका जो एक और तरीका है, अगर आप ब्रांच वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वाइज निकालना चाहते हैं, तो ये जो URL मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस URL को जो है यहाँ से कॉपी कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए लिखा आ गया है शिफ्ट कोड BIC कोड्स ऑफ ऑल इंडिया ऑफ बैंक। यहाँ दोस्तों जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो आप देखते जाइएगा। यहाँ देखिए सभी बैंकों का नाम है, लेकिन आपको चलना है यहाँ सेलेक्ट योर बैंक, और मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये जो है आपको आपका स्टेट पूछेगा, तो मान लीजिए हम मध्य प्रदेश में चलते हैं, और यहाँ पर जो है ये एक्चुअल में दोस्तों शहर हैं, और शहर में जो है हम यहाँ पर जो भी शहर हम लेना चाहें, मान लीजिए हम ग्वालियर ले लेते हैं, ये हमने ग्वालियर ले लिया है, और यहाँ पर सिलेक्ट योर बैंक हेयर, यहाँ पर देखिए दो ब्रांच दे रखी हैं, कमर्शियल ब्रांच और ग्वालियर की मेन ब्रांच, तो हम ग्वालियर की मेन ब्रांच पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ग्वालियर की मेन ब्रांच पर क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए ये आ गया है इसका शिफ्ट कोड। ये SBI जो है दोस्तों, SBIN ये बैंक का नाम हो गया है, IN इंडिया के लिए हो गया है, और ये B इसको मेन ब्रांच में आ गया है, और 427 यहाँ का कोड है। तो ग्वालियर मेन ब्रांच का दोस्तों शिफ्ट कोड, ये आप आसानी से देखिए यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप शहर बदलकर कोई और भी अगर पता करना चाहते थे, तो वो भी आप पता कर सकते थे। यहाँ पर आप जो है शहर बदल दीजिए, आप आंध्र प्रदेश कर सकते हैं। जैसे ही आंध्र प्रदेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर बैंक आ जाएगा, स्पेशलाइज्ड SME ब्रांच नंदयाल, और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो है यहाँ पर शिफ्ट कोड आप पता कर सकते हैं। और ऐसे ही सारे बैंक्स का दोस्तों आप आसानी से पता कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। और अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू भी नहीं जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो भी बैंक का नाम आप देंगे, यहाँ SBI शिफ्ट कोड लिख दीजिए, तो यहाँ पर ये जो है इसका शिफ्ट कोड आ जाएगा। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं।
दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये नई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।